नमस्कार, मेरा नाम है मित्र गैजेट्स फॉर यू की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही क्विक होने वाला है, जहां पे हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 7 एस के बारे में, जो कि लॉन्च होने वाला है 20 मई 2019 को, मतलब कि आज से ठीक दो दिन बाद में। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी बड़ा अपग्रेड होने वाला है रेडमी नोट 7 या फिर रेडमी नोट 7 प्रो का, जहाँ पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 730 चिपसेट और भी काफ़ी सारे अपग्रेड देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा अपग्रेड होने वाला है रेडमी नोट 7 के ऊपर। जी हाँ, वही फ़ोन जो कि आपको स्नैपड्रैगन के 660 चिपसेट के साथ में देखने को मिलता है और स्टार्टिंग प्राइस आता है लगभग 10,000 रुपये। अब यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो एस है, जी हाँ, रेडमी नोट 7 के जो आगे एस लगा हुआ है, इसका मतलब हो सकता है स्पेस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि शाओमी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था अपने रेडमी नोट 7 के साथ में। जी हाँ, उस फोन को स्पेस में भेजा था। उनका मोटिव ये था कि उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करना, उसके अलावा कुछ इमेजेस भी वहाँ पर ली गई थी और वही इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी इनके टीजर पे। जी हाँ, वही सेम पिक्चर्स आपको टीजर में भी देखने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये सेम फ़ोन वही होने वाला है जो कि ग्लोबल रेडमी नोट 7 के नाम से आता है, जहाँ पर आपको मिलता है 48+5 मेगापिक्सल का ड्यूल गेट कैमरा सेटअप और वो आता है सैमसंग के GM1 सेंसर के साथ में। और इंडिया में जो रेडमी नोट 7 आपको देखने को मिलता है, वो आता है 12+2 मेगापिक्सल के ड्यूल गेट कैमरा सेटअप के साथ में। तो यहाँ पर एक छोटा सा अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा कैमरा में। जी हाँ, अब रेडमी नोट 7 एस में आपको देखने को मिलेगा 48+5 मेगापिक्सल का ड्यूल गेट कैमरा सेटअप और वो होने वाला है सैमसंग के GM1 सेंसर के साथ में। जी हाँ, बस आपको एक छोटा सा अपडेट देखने को मिलेगा रेडमी नोट 7 एस में। बाकी सारे फीचर्स, चाहे हम बात कर लेते हैं स्नैपड्रैगन 660 की, चाहे हम बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की, चाहे हम बात कर लेते हैं स्क्रीन साइज की, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन की, वो सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये है कि 12+2 मेगापिक्सल के ड्यूल गियर कैमरा सेटअप की जगह आपको मिलेगा 48+5 मेगापिक्सल का ड्यूल गियर कैमरा सेटअप और वो होने वाला है सैमसंग का GM1 सेंसर। यहाँ पर आपको इंडिया में जो अभी रेडमी नोट 7 के वेरियंट देखने मिलते हैं, वो होते हैं 3GB RAM, 32GB स्टोरेज और 4GB RAM, 64GB स्टोरेज। लेकिन आपको रेडमी नोट 7 एस में एक और नया वेरियंट देखने को मिल सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि सिर्फ वो उसी वेरियंट के साथ में आए जो कि होने वाला है 4GB RAM और 128GB स्टोरेज। और यहाँ पर आपको रेड कलर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि हमने कल वाले टीजर में देख ही लिया था, जो कि मनु कुमार जैन ने टीज किया था। तो कुल मिलाकर रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7 एस में आपको सिर्फ इतना सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो ग्लोबल आपको देखने को मिलता था रेडमी नोट 7, वो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा रेडमी नोट 7 एस के नाम से, जहां पर आपको मिलेगा 48+5 मेगापिक्सल का ड्यूल गियर कैमरा सेटअप और वहां पे होने वाला है सैमसंग का GM1 सेंसर। तो बस यही था दोस्तों आज के वीडियो में क्विक अपडेट था कि रेडमी नोट 7 एस कैसा आने वाला है, यहां पर जो चिपसेट वगैरह है, ये सारी चीजें आपको सेम देखने को मिलने वाली हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं सही और वीडियोस देखना, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपके पास और कोई सवाल है, सुझाव, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।